नमस्कार आलो वासियों, मैं यागा पाकाम इस किए गए बंद कॉल का मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी चेयरमैन रहा। तो हमने कुछ दिन पहले हमारे आलो वेशियंग डीसी से कुछ रिप्रेजेंट लेटर हमने उनको सबमिट किए थे, उनमें से बाकी सब चीज़ को उन्होंने ओके कर दिया है। फिर अभी जो बंद कॉल हमने रखा था उस बंद कॉल को आज काफ़ी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से मिल के बात तलाब करने के बाद हमने ये फैसला लिया कि इस बंद कॉल से शायद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो इस चीज़ को सोचते हुए हमने उस बंद कॉल को तब्दील कर दिया कि सेल्फ आइसोलेशन डिक्लेयर करने पर इस तरह का रिप्रेजेंट और एक हमने आज दिया, इंटीमेट किया डीसी को। तो डीसी सर भी इस चीज़ से एग्री है कि चलिए तो सेल्फ आइसोलेशन फॉर 96 आवर्स एग्री करते हैं, उन्होंने भी कहा है। तो इस चीज़ को कहते हुए मैं मेरे बात को यहाँ रखते हुए हमारे ऑर्गेनाइजिंग प्रेसिडेंट GOI को प्रेसिडेंट मोगू मेहता सर जी से भी कुछ बात इस बारे में विषय में बात तलाब करने की। नमस्कार, मैं जिमी बागरा GOI वेस्ट सियांग यूनिट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और आज मैं जो बंद कॉल किया था तो 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक 96 आवर्स का, तो उसको मैं आज कॉल अप कर दिया हूँ। और जो कॉल अप किया है उसको मैं सेल्फ आइसोलेट में तब्दील कर दिया। तो मैं आलो पब्लिक से यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों का बंद कॉल का कारण यही था कि अभी जो कोरोना वायरस का जो कम्युनिटी स्प्रेड जो फैलने जा रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इसलिए कॉल अप बंद कॉल किया था कि अभी जो कंटेनमेंट जोन जो डिक्लेयर किया है, जैसे बाजार वाला और आपके ये पुआगुमिन जो है, आपका सिपुपुई है और जो आपका हुंगोरिगो रिसोर्ट है, वहाँ पे जो कंटेनमेंट जोन जब डिक्लेयर किया है तो वहाँ से भी कोई उसका मेंटेन नहीं है। वहाँ के लोग, पुआगात के लोग, बाजार के लोग, सिपुपुई के लोग और सुनने में आया है हुंगोरिगो से भी शाम को निकालता है, तो वो लोग जो है कंटेनमेंट जब डिक्लेयर किया है तो वो लोग आना जाना भी बंद करना चाहिए था, तो वो लोग बंद करता नहीं है, फिर खुलेआम घूमता है मार्केट में। तो उसको भी नज़र में देखते हुए और जब मार्केट में देखता है तो कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, कोई मास्क लगाता नहीं है। तो इस भीड़ भाड़ को देखते हुए मैंने ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने यह सोचा है कि इसको बंद कॉल करना पड़ेगा। तो हमने ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए बंद कॉल किया था। लेकिन आज जब बंद कॉल डिक्लेयर किया है तो आज कई तरीका से सीनियर सिटीजन्स, कोई यूथ NGOs और स्टूडेंट यूनियंस एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से हमें डिस्कशन हुआ, मीटिंग हुआ बहुत सारा। तो उस लॉन्ग रन में मतलब हम लोग ये बात हुआ है कि इस बंद कॉल को हम बंद कॉल करने से कम्प्लीटली हम लोग शट डाउन करता है बाज़ार, मार्केट, गाड़ी और आना जाना भी। तो इस चीज़ को देखते हुए हम देखा है कि अगर हम बंद कॉल करने से एडमिनिस्ट्रेशन जो है काम करने में प्रॉब्लम हो जाता है, वो ध्यान उस तरफ नहीं देके हम लोगों को ध्यान देगा क्योंकि इलीगल डिक्लेयर है। तो हम तो एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करना चाहता है लेकिन अगर मेरा ये बंद कॉल करने जाएगा तो हम उसको अगेंस्ट हो जाता है, तो काम करने में मुश्किल हो जाता है। तो ये देखते हुए हमने इसे सेल्फ आइसोलेशन में कन्वर्ट किया है। तो मैं आलोक पब्लिक से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेंटेन कीजिए, आप लोग साथ दीजिए, आप लोग खुद आइसोलेट कीजिए, घर में बैठिए, 96 आवर्स आइसोलेट है। इसमें आप लोग आइसोलेशन का मतलब, सेल्फ आइसोलेशन का मतलब आप कुछ समझिए। यहाँ दुकान भी बंद होना चाहिए, पब्लिक भी गैदर नहीं होना चाहिए, ऑफिस देखना चाहिए। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेंटेन कर दीजिए, आप लोग इसको सपोर्ट करिए कि आप लोग खुद सेल्फ आइसोलेट करके ना। थैंक यू। नमस्ते आलो बासी, हम मेरा नाम मोगू मेहता है, हम ये GOI का प्रेसिडेंट है आलो यूनिट का। एक्चुअली हमारा सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन तो पहले बोल चुका है, ये इसमें ऐसा हुआ है कि आज हम लोग DC से भी, SP से भी बहुत आपका एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुए हैं, तो उन्होंने ये बोला है कि आप लोग बंद कॉल होगा तो आप लोग को हम लोग भी प्रॉब्लम हो जाएगा, हम लोग भी उधर एक आदमी को ढूंढना है, अभी तक इन्फेक्टेड पर्सन अभी बाहर में है, उनको हम लोग ढूंढना है, तो आप लोग बंद कॉल करने से हम लोग उनको ढूंढने नहीं सकेगा ऐसा बोले, तो हम लोग भी चलो वो ठीक है बोल के हम लोग ये सेल्फ आइसोलेशन डिक्लेयर किया है 96 आवर्स।
और आलोमवासी प्लीज़ 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 आप कोऑपरेट कीजिएगा, जैसे भी कोऑपरेट कीजिएगा, अपना घर में ही बैठिएगा, आराम से बैठिएगा, ऐसे होना नहीं है। आप बाहर जाएगा, बाहर जाएगा तो किसी आदमी इन्फेक्टेड पर्सन को मिलेगा, ताकि आपका ही फैमिली को प्रॉब्लम होगा। तो सर आपने बंद कॉल ऑफ किया है तो फिर आपने आइसोलेशन का जो फॉलो अप करने के सभी को बोला है, तो आइसोलेशन में सेल्फ आइसोलेशन में क्या क्या होगा, क्या क्या आपने रूल्स एंड रेगुलेशन आपने दिया है? ये सेल्फ आइसोलेशन में आपका बिल्कुल पब्लिक मूवमेंट बंद होना है, अपना घर में बैठना है, गाड़ी जाना नहीं है, दुकान भी पूरा बंद होना है आपका। ये आपका कुछ कुछ पर्सन को हम लोग एग्जाम टेट किया है, जैसा मजिस्ट्रेट, जैसा पुलिस पर्सन, जैसा हॉस्पिटल, जैसा मिल्क वैन, जैसा कुछ कुछ को हम लोग एग्जाम सस्पेंड किया है, वो लोग जा सकते हैं, नहीं तो सब अपना घर में ही फिरतेगा।